गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। शीट नंबर 110। एक बार इसे ओपन कर लें प्लीज। शीट नंबर 110। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पहले तो ऐसा कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। याद आ रहा है कि एक बार वाटर है एक बार वाटर नहीं है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे लिक्विड का, और मैंने कहा भी था ये बोर्ड में आया हुआ है और ये मेंस में भी और नीट में भी एक एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन है जो आज टेस्ट होगा। आज का टेस्ट में ये क्वेश्चन मैंने डाला है, तो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लिया जाए। मैंने डिफरेंट वैल्यू के साथ डाला है, मतलब ये वैल्यू आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, एबीसी जो भी मैंने किया हुआ है। मेथड सेम रहेगा, सॉल्यूशन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, वैल्यू डिफरेंट होगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इसको एक बार ध्यान से देख लें। ठीक, तो इक्वी कन्वेक्स लेंस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड आर ईच इज पुट ओवर अ लिक्विड लेयर पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी सिचुएशन गिवन है कि आपके पास एक लेंस है, ये इक्वी कन्वेक्स लेंस गिवन है, और यहां पर आपने एक लिक्विड को डाल दिया। जब आपने एक लिक्विड को डाला तो ये जो सरफेस है ये देख रहे हो, ये एक लेंस की तरह काम करेगा, और कौन सा? इक्वी कनकेव लेंस। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन है, और सॉरी इक्वी कनकेव लिख गया मैं, प्लेनो कनकेव लेंस। तो कॉम्बिनेशन है इक्वी कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव का। तो क्वेश्चन ये है कि एक नीडल है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, दो केस गिवन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहला केस ये गिवन है कि नीडल को हमने ए डिस्टेंस पे रखा, ए डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, और उसकी इमेज भी ए डिस्टेंस पे ही आई। कब? जब यहां पर लिक्विड प्रेजेंट था, जब यहां पर लिक्विड प्रेजेंट था। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज है, तो यही इसकी क्या मानी जाती है? फोकल लेंथ। तो ये इसकी फोकल लेंथ है। तो किसकी? कॉम्बिनेशन की। तो ऐसे केस में कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वी कन्वेक्स एंड प्लेनो कनकेव। क्या स्टेप लिक्विड हटा दो तो ये जो डिस्टेंस है वो बी हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बी हो जाती है। किसकी? इक्वी कन्वेक्स लेंस की। इक्वी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो बी हो जाती है, क्योंकि लिक्विड तो हमने हटा दिया। तो आपको इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है किसका, लिक्विड का क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले ए गिवन होगा रिमूविंग द लिक्विड, बी हो जाएगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकालना है। तो आपने क्या करना है? आपने ये देखना है, पहला स्टेप जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ए गिवन है, क्लियर है, इक्वी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बी गिवन है, क्योंकि जब हमने पानी को हटा दिया तो बचा क्या? इक्वी कन्वेक्स लेंस, तो बी, और वाटर लेंस को क्या बोलते हैं? प्लेनो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ मान लो एफ2 है, जो मुझे पता नहीं। क्या पॉइंट क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर है, कॉम्बिनेशन की ए है, इक्वी कन्वेक्स लेंस की बी है, और प्लेनो कनकेव लेंस की F2 है। और क्योंकि ये एक लेंस कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इक्वी कन्वेक्स की फोकल लेंथ एंड प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ, याद है लेंस कॉम्बिनेशन ऐसे करते थे हम। अब इसमें कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो मुझे पता ही है, इसमें प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ ए मुझे पता है, इक्वी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बी मुझे पता है। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास ये फोकल लेंथ आ गई किसकी? प्लेनो कनकेव की। क्या ये स्टेप क्लियर है? प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? आपको दो फोकल लेंथ गिवन होगी, आपको तीसरी हमेशा निकालनी होगी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो यस लिखो प्लीज। ठीक, अब जो प्लेनो कनकेव लेंस है ना,
प्लेनो कनकेव लेंस, अब हम लेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2 है जो मैंने निकाल ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको इसका ग्लास का, न्यू निकालना है। प्लेनो कनकेव में साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं, पहला रेडियस नेगेटिव, दूसरा इन्फिनिटी, ताकि ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आए, तो बस पुट कर दो माइनस आर इन्फिनिटी, सॉल्व करके म्यू ऑफ एल कैन बी कैलकुलेटेड, दिस इज द आंसर। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है, ठीक है। तो आपका कुछ मिरर, प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन था, ये भी हमने नहीं किया, इसको भी हम करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन मिरर, तो आपके पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये रहा कन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, कहां पे 20 सेंटीमीटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, सच दैट क्वेश्चन के अंदर गिवन है इमेज coinciding with itself, जो इमेज है वहीं पे coincide कर रही है, इसका मतलब जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है वहीं पर आपकी इमेज है। अब सोचने वाली बात है ये कैसे हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब ये रे जाएगी और अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जहां से गई वहीं पर इमेज वापस बनेगी, तभी बात बनेगी। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब थोड़ा सा इसको खोल के हमने देखा, जब पे हिट रिट्रेस करेगी, हम भी ये चाहते हैं कि रिट्रेस हो, तो रिट्रेस करने के लिए मिरर को तो 90 डिग्री पे रेज को हिट करना ही पड़ेगा। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, तो ये वापस आ जाएगी पी पॉइंट पे, तो एक्चुअल डायग्राम ये बना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब कि अगर हम लेंस की स्टोरी की बात करें तो लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस ये इसको सीधा कर सकता है, बिल्कुल ऐसे पास करा सकता है, लेंस का काम है। और जब रेस सीधी हो जाती है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा होगा, फोकस पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है इस क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही होगी। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, क्यों, क्योंकि लेंस ने रेज को बिल्कुल सीधा कर देना है, और सीधा तभी करेगा लेंस जब ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होगा, फोकल लेंथ पे, और मेरे को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर फोकल लेंथ भी 20 है, ठीक, सबको क्लियर है, यस लिखें प्लीज। हर्षित नेगेटिव, नेगेटिव कैसे, आप नेगेटिव सोच भी नहीं सकते इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि हर्षित इसमें फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की है जो हर हालत में पॉजिटिव होगी, है ना, कन्वेक्स लेंस देखते ही पॉजिटिव है ना, तो ये तो मतलब झगड़ा ही खत्म है, कनकेव नेगेटिव है, कन्वेक्स पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव ही मार्क करना है। मिलता जुलता फिर से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इस बार वो कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ओवर प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर है, ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ऐसे ये गिवन है, फोकल लेंथ बतानी है कन्वेक्स लेंस की क्या होगी, भाई जहां ऑब्जेक्ट है अगर वहीं पे इमेज है, तो ये बात तो पक्की है ना कि मिरर पे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे हिट हुई है रेस, तभी रिट्रेस की है, और इसका मतलब कि इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ पे होगा, क्यों, क्योंकि अगर फोकल लेंथ पे होगा तभी तो रेज यहाँ पर पैरेलल जाएंगी, ऐसे क्लियर है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है वही इसकी फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ओपी, तो फोकल लेंथ भी क्या है इसमें, ओपी, क्लियर है यहाँ तक, ओपी के फॉर्म में आंसर आ गया बस, ठीक।
ठीक। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। कितने लोगों ने बुक ऑर्डर कर दी है 2021 वाली? वैसे ओके, कितने लोग 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं? कहीं से भी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, कर रहे हैं। ओके, 2020 और 21 जो बोला था। ओके ठीक है, ठीक। ओके, ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है हर्षित, ठीक है। ओके देखो, मैं जहां तक समझता हूं, आपके लिए एक बोनस है जो इस साल हो रहा है। बोनस ये है कि फॉर्म निकला ही नहीं मेंस का, नहीं तो अब तक तो फॉर्म फिलिंग होके पेपर आने वाला हो जाता है सर पे। फरवरी के 7-8 तारीख को तो लास्ट ईयर जब पूरा कोविड चल रहा था तो भी फेब के अंदर पेपर हुआ था, सबको पता है। तो अभी आपके सामने ही है, आपको ग्रेस पीरियड मिला हुआ है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं और प्लस टू को बहुत अच्छे से करके, प्लस वन को रिवाइज करके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर या सेकेंड, जो भी आपका, आपको जो भी आपका एम है या जो भी आपका जितना भी टाइम है उसका मैक्सिमम यूज करें। तो पुराने पेपर करने जरूरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैंने बुक ऑर्डर कर दी थी, मेरी बुक आ गई है वैसे, परसों आ गई थी। मैंने उसको स्कैन करना शुरू कर दिया, स्कैन हो गई है वैसे, उसकी अपलोडिंग करवा रहा हूँ मैं। अपलोडिंग में मैं आपको लॉगिन आईडी दे दूंगा फिर से नया। जिन्होंने नहीं परचेज किया तो 2021 और 20 का पेपर तो एटलीस्ट मैं करवा ही रहा हूँ, ताकि आप एटलीस्ट ऑनलाइन जाके उस पेपर को या उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, राइट। तो वो एक्चुअली यानी मैंने बताया था ना, वो पिछले महीने हमसे वो सारी वेबसाइट क्रैश हो गई थी हमारी, तो वो जो मैंने लॉगिन आईडी पहले दिए थे ना वो सारे खराब हो गए हमारे, पूरा डेटा उड़ गया हमारा, हमें फिर से वो सारा काम करना पड़ रहा है सितंबर के बाद वाला। तो आजकल मेरे बंदे वही कर रहे हैं, तो कल से मैं लॉगिन आईडी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 4-5 चैप्टर तो हो चुके हैं, तो धीरे धीरे वो रोज एक एक चैप्टर, रोज एक एक चैप्टर करते जाएंगे। आप अपनी कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो, तो आप उसको एक बार नजर मार लेना। वो क्लास में मैंने बताया था, वो बहुत दिक्कत हो गई थी हमें पिछले महीने, डेटा सारा उड़ गया था हमारा, तो फिर से बना रहे हैं हम। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षित, मैंने आपके डाउट्स कर दिए हैं, रिप्लाई की कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास इतने डाउट्स हैं हर्षित, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, सच बताऊं। शायद जितना मुझे डाउट सेंड कर रहे हो, बहुत सारे लोग डाउट सेंड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो खुद इतना पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, पर मेरे को खूब पढ़ा रहे हैं। मैं पूरा अपडेटेड हूँ और मैंने अपने वो क्लियर कर दिए हैं सारे। कम से कम 40-50 डाउट तो से ज्यादा होंगे आज की डेट में, 40-50 डाउट कल से लेके आज तक, 2-3 दिनों से लेके अभी तक। आज मैं क्लियर करूंगा उसे, 7:45 लॉग इन आईडी दूंगा मैं हर्षित टेस्ट के बाद, ठीक है। 7:45 के आसपास मैंने बना लिया, सॉल्व कर दिया। आपके ग्रेविटेशन के अच्छे क्वेश्चन है, सुनने वाले क्वेश्चन है वैसे, जो आपने मुझे सेंड किए हैं वो सारे के सारे, उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे हैं, तो आज क्लियर करूंगा मैं सारे डाउट। तो डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, ये इसके बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर के बना है। पैरेलल रेज इंसिडेंट और कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर फॉर्म्स इमेज एट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, जाती हैं मिरर्स को टकराती हैं और ऑप्टिकल सेंटर पे आके मिलती हैं, ओ पे मिलती हैं। क्लियर है यहां तक? तो रेज ओ पे मिलती है, ये क्वेश्चन है गिवन है। अब लेंस तो नहीं ओ पे मिला रहा, लेंस का बस चले, लेंस तो इमेज यहां पर बनाए, यहां पर कहां पर, अपनी फोकल लेंथ पे। क्यों? क्योंकि रेज कैसे आ रही है इंफिनिटी से, इमेज कहां पर बनाएगी, फोकल लेंथ पे। पर वो तो मिरर है, मिरर ने रिफ्लेक्शन कर दिया और रेस को यहां कन्वर्ज कर दिया। क्लियर है यहां तक सिचुएशन? क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्योंकि अब मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। तो लेंस ने इमेज ये बनाई मिरर के लिए, लेंस की इमेज एक ऑब्जेक्ट है,
और मिरर क्या करेगा, उसकी इमेज ओ पे बनाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, कहने का मतलब अगर मिरर 15 सेंटीमीटर पे इमेज बना रहा है, जो कि गिवन है, ये 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि एग्जैक्टली 15 पे होगा ऑब्वियसली। अब मेरे को ये डिस्टेंस पता लग गया, टोटल 15 + 15 = 30 है, तो मुझे इससे इसकी फोकल लेंथ पता लग गई, क्योंकि रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज फोकल लेंथ पे बनेगी, तो फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर लेंस की। क्लियर है यहां तक? फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर क्यों मैं समझ में आ रहा है? ठीक, ओके, इस क्वेश्चन को पढ़े प्लीज। कितने लोग ऑप्टिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे? ऑप्टिक्स कर रहे हैं, यस लिखिए प्लीज, चाहे सेल उड़ा चाहे कोई बुक कर रहे हैं ना, इसको प्लीज करें, क्योंकि अभी टाइम नहीं आएगा वापस से, आप फरवरी के अंदर रिवीजन देखो, पेपर तो होना ही अल्टीमेटली, चाहे मार्च में हो चाहे अप्रैल में हो, ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन का ग्रेस मिल जाएगा, इससे ऊपर तो कहीं नहीं लोगे, बोर्ड का पेपर तो होगा ही, तो उस और 20-25 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए, टेस्ट सीरीज रिवीजन, सैंपल पेपर, याद है सैंपल पेपर भी करनी है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, इधर तो पेपर भी रिटर्न है, सब्जेक्टिव होगा अगर, तो कहने का मतलब कि आपको 15-20 दिन तो माइनस कर देने चाहिए फाइनल पेपर से, तो आपको फटाफट से ऑप्टिक्स को क्लोज करना चाहिए, और मॉडल फिजिक्स की रिवीजन मैं करवा दूंगा, तो इसको हम क्लोज करेंगे प्लस टू को, साथ साथ फिर प्लस वन का काम हम शुरू कर लेंगे। ठीक, तो आप अपनी तैयारी प्लीज करते जाएं और ऑप्टिक्स को फुल एनर्जी के साथ अपना काम करें, क्योंकि ऑप्टिक्स एक बार निकल गया फिर वापस, बड़ा ऑप्टिक्स बड़ा है ना, फिर कैसे आएगा यूनिवर्स? आदित्य मैं समझा नहीं, आदित्य यूनिवर्स में थ्योरी और रिलेटिविटी, रिलेटिविटी की प्रॉब्लम्स कह रहे हो? यूनिवर्स चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है आदित्य? यूनिवर्स जिसमें क्या टॉपिक्स हैं? अच्छा, डीसी पांडे में गिवन है, पता नहीं यार कैसे चैप्टर बना दिया उसने, नहीं मालूम मुझे यार क्या बना के लाया वो नया, पर यूनिवर्स नाम का एनसीईआरटी का कोई चैप्टर है नहीं वैसे, मुझे एक बार स्नैपशॉट भेज देना उसके फर्स्ट पेज। अच्छा, मेरे पास है डीसी पांडे, मैं चेक कर लूंगा, मेरे पास है। इसके बाद वैसे हम करेंगे सेमीकंडक्टर्स और फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक क्वेश्चन मेंस में और नीट में सेमीकंडक्टर्स का आने जाने, नीट में दो आएंगे, मेंस में एक आएगा, और मेंस में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, एक एक लेक्चर का काम है सिर्फ, और पक्का आएगा, और नीट में कम्युनिकेशन से सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो वो रिकॉर्डिंग से कवर हो जाएगा, बड़ी बात है नहीं उसमें, बहुत हल्की चीज है, एक टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा उसमें। तो इसमें जैसे एक लेंस है और एक मिरर है, ठीक है, तो कई लोग ना ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रे डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मन से थोड़ा बनेगा ऐसे, चाहोगे मुझे क्या पता कैसे जाएगी रे, मुझे क्या पता। तो आपको पहली बात तो ये कि आपको ऐसा कुछ गिवन नहीं होगा, आपको ना ऐसा ही गिवन होगा डायग्राम, बस बस आपको यही गिवन होता है और कुछ नहीं गिवन होता, ठीक है। रे डायग्राम बनाने को आएगा ये जरूरी नहीं होता, नॉर्मली न्यूमेरिकली आता है, पर अगर आ जाए तो बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। पहले न्यूमेरिकल ही सॉल्व होगा फिर रे डायग्राम बनेगा, तो अगर आप सीधा रे बनाने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ F पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, 20 सेंटीमीटर गिवन है। As a point object on the principal axis at a distance of 40 सेंटीमीटर from it, तो ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है। प्लेन मिरर को 30 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया, तो ये 30 सेंटीमीटर है। लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि एक लेंस है और एक मिरर है, इसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है u = यहां पर -40, ठीक, और ये डिस्टेंस इनके बीच में आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है, ऐसे गिवन है, राइट। अब इसमें आप डायग्राम ना बनाएं, पहले आप लेंस को सॉल्व करें, लेंस के लिए u = -40 है, फोकल लेंथ 20 है, आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं, पहले लेंस के फॉर्मूले से v निकाल लें, यहां पर v सॉल्व करके +40 आएगा, तो इमेज यानी कि कहीं यहां कहीं बनेगी +40 पे, ऐसे,
ठीक। अब मिरर के लिए ये क्या मानना जाएगा ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए क्या चीज है इमेज। अब मिरर का काम क्या है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 40 है, उसमें से दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 है, तो ये डिस्टेंस कितना बना 10। तो मिरर के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर में, तो इमेज मिरर यहां बनाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, यहां पर न्यूमेरिकल क्लियर है, इमेज यहां बनेगी। तो आपको पता लग गया कि लेंस ने यहां बनानी है और मिरर ने इसको शिफ्ट करके यहां बनाना है, क्लियर है। तो रे डायग्राम बन जाएगा, देखो ये रे जाएंगी, लेंस की इमेज यहां बनेगी, यहां 40 सेंटीमीटर पे, पर ये लाइन थोड़ी डॉटेड बनेगी क्योंकि जा नहीं पाएगी ना रेस, तो फाइनल इमेज यहां बन जाएगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे फाइनल कॉम्बिनेशन की इमेज बनेगी और रे डायग्राम भी कैसे कैसे आपने समझना है। ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़े प्लीज। नहीं यानी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग सुनने को नहीं कही थी, मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ, नहीं रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कम दे रहा हूँ क्योंकि आपका टेस्ट था ना, और प्लस अब क्योंकि उसी पार्ट की रिकॉर्डिंग देता हूँ जो मुझे लगता है कि यार ये चीज रिकॉर्डिंग से हो जाएगी। अब न्यूमेरिकल तो क्या ही करोगे, न्यूमेरिकल पता ही लोग सुन के आएंगे नहीं आएंगे, नहीं इट्स ओके। और दूसरी चीज इससे भी थोड़ा कम दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा टाइम डिवोट कर पाओगे ना, फिर आप पढ़ोगे कब अगर रिकॉर्डिंग सुनोगे तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद करूंगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग जरूरी है, ऐसा है। ठीक है यश, क्या हो गया, वन वन जीरो है ईशान, शीट नंबर 110। देखो इस क्वेश्चन के अंदर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट formed by the combination of convex lens. तो ठीक है, इमेज जो है एक किसी ऑब्जेक्ट की formed by the combination of convex lens and convex mirror is set up is observed to coincide with the object. तो इमेज coincide with the object, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये एक concave mirror है। ठीक है यश, ठीक है यश, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में वो कह रहा है कि रेज जाती है, ऑब्वियसली ये डाइवर्जिंग मिरर है ना, डाइवर्जिंग मिरर है वैसे तो ये, पर वो कह रहा है कि जहां ऑब्जेक्ट है ना वही मेरी इमेज है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये अपना रास्ता रिट्रेस करे, मानते हो ये बात, रिट्रेस में वापस आ जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है, क्वेश्चन ये है कि मिरर रिट्रेस क्यों करवाएगा रेस, है ना, डाइवर्ज क्यों नहीं करेगा। मिरर इसलिए रिट्रेस करवाएगा, या कब रिट्रेस करवाएगा, जब इसके ऊपर रेस 90 डिग्री पे हिट होगी परपेंडिकुलरली, क्लियर है। तो ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर हिट करती है तो रिट्रेस हो जाती है, क्या पॉइंट क्लियर है ना, किसी और एंगल पे जाएगी तो आई इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना, अलग अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने 90 डिग्री पे हिट कर दिया। अब जब 90 डिग्री पे हिट करोगे, इसका मतलब मिरर के नॉर्मल के अलोंग ये रेज जा रही है, ठीक बोल रहा हूं ना, नॉर्मल के अलोंग जा रही है, और नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से। तो इसका मतलब ये क्या है, मिरर का सेंटर, क्या है पॉइंट क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग जा रही है ना, तो अपने अभी सेंटर हो गया ये। तो वो यही कह रहा है कि पहला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करो इस मिरर का, तो सेंटर क्या है, यही इसका सेंटर है। तो ऑब्वियसली लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, लेंस के लिए इमेज है, लेंस के लिए सेंटर पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या स्टेप क्लियर है, डायग्राम सबको क्लियर है, तो कैसे बनाया ये डायग्राम, इनके बीच में डिस्टेंस डी गिवन है। तो एक बात बताओ, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ए,
लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस कितना है, डी प्लस आर, क्लियर है? ऑब्जेक्ट ए और इमेज डी प्लस आर, तो आपको इसमें आर निकालना है, तो ऑब्जेक्ट इज माइनस ए, इमेज इज आर प्लस डी, तो 1 बाय एफ 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू में लगाओ, सॉल्व करो और आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि आर की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? सबको क्लियर है? तो सारे यस लिखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखो लेंस और लेंस और मिरर जानी चाहिए, सॉल्व करते हैं। ये तो क्वेश्चन भी आज के टेस्ट में मैंने डाला है, आपको के कमाल है, आज तो सारे पेपर बताया जा रहा है। वैल्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है, मुझे खुद नहीं याद क्या वैल्यूज हैं, पर तीन लेंस का कॉम्बिनेशन जरूर डाला है, इसको कर लो, एक क्वेश्चन और ठीक हो जाएगा आपका, ट्राई करो प्लीज। आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको इस क्वेश्चन में गिवन है तीन लेंस है, फोकल लेंथ प्लस 10 है, माइनस 10 है और प्लस 30 है। ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर पे, आपको फाइनल इमेज कहां बनी ये बताना है, दैट्स इट, बस खत्म, फाइनल इमेज बनानी है। तो मैं आपको हिंट देता हूं, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज निकाल लो, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसकी इमेज निकाल लो, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर फाइनल इमेज निकाल लो, ठीक है? तीनों लेंस के लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें? पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज निकलेगी, इस लेंस के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसकी इमेज निकलेगी, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसकी इमेज निकलेगी। तो ट्राई करो प्लीज एक बार, पहले वी निकाल लो, यहां से फर्स्ट लेंस से वी निकाल लो, फिर आगे चलेंगे, और दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। इसका आंसर 15, 30 है, 30 है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले फर्स्ट लेंस लेते हैं, फर्स्ट लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है माइनस 30, फोकल लेंथ कन्वेक्स की पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी, तो आप फॉर्मूला लगा लेना 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u से यहां से v आ जाएगा, तो क्लियर है 15 सेंटीमीटर v आ गया। अब खुद सोचो कि 15 सेंटीमीटर पे v का मतलब क्या है, यहां से कुछ 15 सेंटीमीटर पे इमेज बन गई। अब इस लेंस की बारी है, अब सारे डिस्टेंसेस इस लेंस के सेंटर से लेने पड़ेंगे, तो इसकी ऑब्जेक्ट है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 15 है, 15 में से 5 गया तो क्या बचा, 10। तो कंकेव लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कितनी दूरी पे होगा, 10, एंड क्योंकि ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है राइट साइड पे, तो ऑब्जेक्ट इसमें माइनस 10 नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें प्लस 10 है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कंकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 10 राइट साइड पे, तो प्लस 10 लेंगे, इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्लियर है? तो चेक करो, सेकंड लेंस के लिए प्लस 10 है, ऑब्जेक्ट प्लस 10 है, फोकल लेंथ कंकेव की नेगेटिव है, तो फिर से फॉर्मूला लगा के वी आ जाएगा इंफिनिटी। तो सेकंड लेंस के लिए वी क्या आ गया, इंफिनिटी, तो सेकंड लेंस इमेज कहां पर बनाएगा, इंफिनिटी पे, तो यानी कि इंफिनिटी पे, तो रेज कैसे जाएंगी, राइट जाएंगी। अब सोचो
इसने रेज को सीधा कर दिया इन्फिनिटी के लिए, सीधा कर दिया, पर इसकी जो आउटपुट है वो थर्ड लेंस की इनपुट है। अब थर्ड लेंस की इनपुट है और रेज अगर पैरेलल आ रही है तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस इसे फोकस पे क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ऐसे होता है ना, अगर रेज पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे मिल जाएगी ऐसे, तो यानी कि इमेज कहां पर बनेगी, इसके फोकस पे। फोकस कहां पर है, 30 सेंटीमीटर। ध्यान से क्या स्टेप क्लियर है यहां तक कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन। देखो इसमें क्या के बना है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आई इज द इमेज ऑफ टू लेंसेज, तो आई इसकी इमेज है। फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंसेज आल्सो गिवन, गेरी गिवन, फोकल लेंथ दूसरे की निकालनी है, क्या होगी, सारा कुछ गिवन है। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट -15 है, फोकल लेंथ +20 है, कन्वेक्स है, तो इमेज आ गई -60। -60 का मतलब सेम साइड, यहां बनेगी 60 सेंटीमीटर इमेज। सेकेंड लेंस के लिए ये दूरी 20 है, तो सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्या बन जाएगी, 60 + 20 = 80, -80 लेफ्ट की तरफ है, तो सेकेंड के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा -80। फोक और इमेज डायग्राम में बता रहा है इमेज कहां पर बन रही है, फाइनली +15 पे, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट सेम है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की प्रॉब्लम है, चेक करो प्लीज। दानिश का बोल ही नहीं रहा, ऑडिबल कहाँ से होगा तुम्हें दिया ट्राई करने के लिए। देखो फोकल लेंथ कंकेव की लेंस की निकालनी है, साफ पता लग रहा है इस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -60 के सॉल्व करके भी आ गया 30, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर पे। अब इसकी राइट की तरफ है, तो यू +20 और साफ पता लग रहा है कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, इनफिनिटी पे, तो फिर से एक बार लेंस का फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लेंस कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इस क्वेश्चन को देखो प्लीज।
देखो इसमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक लेंस है, इस लेंस में ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस 56 सेंटीमीटर गिवन है, लेंस एंड स्क्रीन के बीच में 36 सेंटीमीटर गिवन है। वो कह रहा है कि हमने एक पॉइंट पे रखा तो सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट और डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द लेंस इज फाउंड ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर कितना ठीक अपनी बात है जब हाँ मिड पॉइंट में से रेज अगर पास करेंगी तो इमेज तो ये बनेगी, लेंस इमेज यहाँ बना रहे हैं, पर ये स्क्रीन थोड़ी ना है, ये तो हवा का पॉइंट है, तो रेज और आगे निकल जाएंगी और यहाँ पर सर्कुलर स्पॉट बना देंगी, जितना लेंस का साइज है उतना ही बना देंगी। क्लियर है ये पॉइंट की मिड में इमेज बनेगी, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, अगर टोटल डिस्टेंस 36 है तो आधा डिस्टेंस 18 हो जाएगा, तो क्लियर है यहां तक। तो इमेज मिडल में बनेगी, इसीलिए ऑब्जेक्ट -20 इमेज मिडल में का अलग 18, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ गई, एक आंसर आ गया फोकल लेंथ आ गई। अब सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है, एक आंसर आ गया, कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस दी सोर्स की डिस्प्लेस यू, अब नया क्या होगा ताकि इमेज कहाँ पर बने, इमेज स्क्रीन पे बने, अभी इमेज स्क्रीन पे नहीं बन रही थी, अभी इमेज यहाँ पे बन रही थी, पहले में आ रहा है निकलेगा
हाँ जी, तो इसमें आपको क्या आगे बनाए कि रेज आ रही है, ठीक है, पीछे से रेज आ रही है, और यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सेंटीमीटर, तो +10 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से, अरे गलत फॉर्मूला है, -1/v का फॉर्मूला लगा के v कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? करो ट्राई, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो इसमें एक कैंडल फ्लेम है और 3 सेंटीमीटर हाई है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो मेरे को, मैं क्वेश्चन सॉल्व उसे बैच में, इसकी डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत आई, आपको भी आ रही है क्या? अजीब, मतलब डायग्राम नहीं गिवन तो थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता ना दिमाग पे। मुझे ऐसा लगा कि कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई, तो मैंने मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, H1=3 सेंटीमीटर ऐसे बना दिया। फिर मैंने कहा कि ये वॉल से एक दीवार ले ली, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, तो वॉल से इसकी दूरी कितनी ली मैंने? 3 मीटर ले ली, ठीक है, ऐसे लिया आप लोगों ने। हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट कनकेव मिरर बी प्लेस्ड? तो कनकेव मिरर ले लिया, बीच में रख लिया, ठीक है, कहाँ रखें वो कह रहा है, तो मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो नहीं, वॉल कहाँ आपने कंसिडर की? सच, वॉल डिस्टेंस कंकेव मिरर, तो यार वो तो वॉल तो वो बन जाएगी, इसमें उल्टा हो गया, रुको 1 मिनट, वॉल मैंने गलत बना दी, क्योंकि कंकेव जो है रियल इमेज बनाएगा ना, तो मैं वॉल को यहाँ कहीं बनाता हूँ, वॉल यहाँ बनेगी, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये मेरी इमेज बनेगी, ये मेरी इमेज बनेगी, ठीक, तो सेम वॉल पे इमेज बनानी है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की ये 3 मीटर है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? -x है, और इमेज का डिस्टेंस कितना है? 3+x नेगेटिव के साथ ही है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो इसमें H2 by H1 मैग्निफिकेशन मैंने ऐसे सिखाई थी आपको, मिरर्स में
मैग्निफिकेशन ऐसे सिखाई थी, ऐसे, राइट? आवाज लागू हो रही है क्या? अब ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, नहीं हो रही, ओके, ठीक है। तो दानिश एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो H2 9 सेंटीमीटर हाई, वर्चुअल है ना, रियल है ना, तो उल्टी बनेगी -9। तो हाइट H1 कितनी है? H1 की वैल्यू है इसमें 3, माइनस V की जगह -X और U की जगह माइनस V की जगह सॉरी 3+X और U की जगह X। प्लीज सॉल्व करें और X की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है, X कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके X आ जाएगा, X आ गया। अगर X आ गया तो समझो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, इमेज का डिस्टेंस आ गया, तो फिर मिरर का फॉर्मूला लगा के 1/V 1/U करके F की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है? ठीक, वॉल बिहाइंड द लेंस क्यों नहीं किया मैंने वर्चुअली, बात नहीं है, बन भी सकता था, मैंने इसमें रियल के साथ ही किया ऑन द सेम साइड, क्योंकि ना बड़ी बनेगी इमेज, रियल में इमेज बड़ी बन रही है ना, वर्चुअल में छोटी बनती है, तो फिर मैंने रियल ही ले ली ऑन द सेम साइड, 3:9 बन गई ना इस। तो देखो नेक्स्ट जो शीट है वो शीट नंबर 124 है आपकी बुकलेट की, 124 ओपन करो। ओके, ये भी मैंने रिकॉर्डिंग सुनने के लिए नहीं दी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्लीज पढ़ें और एक बार ट्राई करें प्लीज, कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमने किया हुआ ये लेंस में,
ठीक है, ठीक है आज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है और बिकम्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, मैंने मर्ज लीकोड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू डैश, तो जब उसको पानी में डालते हैं, लीक्विड में डालते हैं, उसकी फोकल लेंथ एफ डैश हो जाती है, वैसे उसकी एफ है, तो ये प्रूव करो एफ डैश इसके इक्वल है। तो एक काम करते हैं, जब वो हवा में है लेंस तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा, जब उसको लीक्विड में डाल दिया जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लीक्विड हो जाएगा, फोकल लेंथ एफ डैश हो जाएगी, इसको ब्रेक कर लेंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन किया हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है, लिक्विड का म्यू डैश गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, आर आर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और जो प्रूफ करने का आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक एफ डैश की वैल्यू कैसे आएगी, तो लेंस मेकर की प्रॉब्लम कैसे पूछ सकता है, ये एक तरीका है, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये शीट एनसीईआरटी की नहीं है वैसे आपको बता दूं। नेक्स्ट इसे पढ़े प्लीज क्वेश्चन को, इस रिजल्ट को मैंने यूज किया हुआ है पहले, अगर आपको याद होगा कि अगर आपको रियल इमेज बनानी है ना कन्वेक्स लेंस के केस में, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 4f तो होना ही चाहिए, याद करो कम से कम डिस्टेंस, ये इसका प्रूफ है। और ऐसे केस में जो रियल इमेज बनेगी उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी और फोकल लेंथ वो ऐसे रिलेटेड है कि प्रूफ किया जाए। वैसे आपको बता दूं एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड करके ये थ्योरी का टॉपिक है वैसे तो, पर न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे रखा है, ठीक, न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया हुआ मैंने इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों बोलते हैं इसे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, आपको निकालना है कि इस लेंस को कहाँ प्लेस करूं, यू निकाल लो, तो आप डिस्प्लेस कर सकते हो इसे लेफ्ट या राइट, तो यू निकाल लो ताकि इमेज स्क्रीन पे ही बने, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस डी है, ऑब्जेक्ट यू है, तो वी का मतलब क्या लिख सकते हैं, डी माइनस यू, ये रहा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डी माइनस, चलो उल्टा कर लो, डी माइनस वी कर लो, ऑब्जेक्ट इज डी माइनस वी कर लो, चलो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस डी माइनस वी, तो लेंस का फॉर्मूला वन बाई वी एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो यहाँ से सॉल्व करके वी आ जाएगा, ये टर्म आ गई, क्लियर है यहाँ तक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास, आपको याद कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक तैयार हो गई। अब क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं v की, ये वैल्यू आएगी। अब आपको रियल इमेज बनाना है तो v तो पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि v तो रियल इमेज बनेगी, राइट साइड पे बनेगी, तो ऐसा करने के लिए ये जो टर्म है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये देखो प्रूव हो गया कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि कैसे प्रूव किया उसने, ठीक। एंड इमेज स्क्रीन पे बनानी है तो d 4f होना चाहिए। अब मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लो, 1 बाई एफ वाला लेंस वाला फॉर्मूला लिखो, सिंपलीफाई करो, u नेगेटिव है किसी भी, इस केस में v पॉजिटिव है, तो u को नेगेटिव प्लेस करते हुए तो ये फॉर्मूला f का आएगा, इसके अंदर u प्लस v से मल्टीप्लाई और u प्लस v से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टर्म को, u प्लस v और u प्लस v से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर लास्ट में u स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, u स्क्वायर को इससे डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये v by u हो जाएगा, ऐसी u से u कट गया तो ये क्या आ गया, v by u आ गया। अब v by u क्या होती है, मैग्निफिकेशन, इस क्वेश्चन में u plus v क्या है, d, v by u क्या है, मैग्निफिकेशन, तो ये प्रूफ है इसका कि कैसे इस चीज को हमने प्रूफ किया। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पर, आएगा नहीं वैसे बट चलो एक ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में ये ऑप्शन आ सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर, कई लोग इसका फॉर्मूला याद करते हैं, ये दोनों पार्ट है फॉर्मूला याद करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड का, एक 4f वाला पॉइंट और एक मैग्निफिकेशन वाला पॉइंट, क्लियर है। आप चाहो तो इसको नोट बना के लिख सकते हो, रिमेंबर, स्पेशली मेडिकल वालों, नीट में ज्यादा आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड स्पेशली। इस क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज, हाँ यानी डीसी पांडे के अंदर गिवन है ये, नीट में मैंने देखा आता हुआ डिस्प्लेसमेंट मेथड, सीधा फॉर्मूला ही आता है, मैंने देखा है इसका।
देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो बेसिकली एक मिरर ले तो नीचे लगा दिया, तो साइज ऑफ इमेज ने अब ठीक है चेक करो प्लीज। ओके अब ठीक है। ओके तो इस क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ना आपको डीसी पढ़ने के अंदर ही मिलेगा क्वेश्चन। इसका ना ऑप्शन भी ऐसे गिवन होगा, ऐसा ऑप्शन गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दो तरीके हैं। मैंने बता दिया ना कि जैसे दो ऑब्जेक्ट मान के इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वो तरीका है, वो भी है, मेरी अगली शीट पे मिलेगा वो तरीका। पर ये थोड़ा शॉर्टकट है। इसमें हम मिरर लेते हैं, मिरर में मिरर का फॉर्मूला लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसको डिफरेंशिएट करके हमारे पास ये टर्म आ जाती है, ये आ जाता है। अब क्योंकि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन जो होती है वो ये होती है H2/H1 - V/U, याद है फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1 - V/U, बस इसने dV और du लिख लिया, एक ही बात है। तो dV by du की वैल्यू इसने निकाल ली, इसको उठा के यहां पुट करके उसने ये रिलेशन निकाल लिया H2/H1 का। अब अगर जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो तो b है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट b है, तो यहां से H2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये H2 की वैल्यू उसने निकाल ली, मिरर का फॉर्मूला लगाया, मिरर के फॉर्मूले को u से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स को, u by v की वैल्यू आ गई, रेसिप्रोकल लेके v by u आ गया, इस v by u को यहां पुट करके आंसर आ गया। ये एक तरीका है। अगर नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, अगली बार अगली शीट में आपको दूसरे तरीके से भी इसमें करके दिखाया हुआ है मैंने, अगली शीट में आएगा, वो भी कई लोगों को पसंद आता है। तो आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं है। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार प्लीज देखें। तो देखो इसमें एक शेविंग मिरर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा एंड मैग्नीफाइड इमेज 25 सेंटीमीटर पे दिखी उसे। अब ये मिरर होगा तो पक्की बात है कंकेव ही, क्योंकि मुझे बनाना है कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज, सीधी बनानी है ना, तो वर्चुअल चाहिए मुझे इसमें। ठीक, तो इसमें टोटल डिस्टेंस 25 है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 है, तो ऑब्वियसली अगर टोटल 25 है, ऑब्जेक्ट 10 पे है, तो इमेज कहां पर है, 15 पे, ऑन द अदर साइड, सीधी चाहिए मुझे, वर्चुअल चाहिए मुझे। तो यू नेगेटिव है, वी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। तो फोकल लेंथ होती क्या है, R/2, तो आप यहां पर एफ की जगह R/2 पुट करके रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाए। तो क्लियर है, तो आसान क्वेश्चन है ये, आया हुआ है क्वेश्चन मेंस और नीट में दोनों में। मैं कह रहा था ना कि वैसे हमने क्वेश्चन किया हुआ है पर लंबे तरीके से किया, ये कैलकुलस का तरीका है। तो एक बार प्लीज इसे एक बार देखें, इंपॉर्टेंट है ये।
देखो, कार इज फिटेड विद अ कन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ इतना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ इसमें 20 है, समझ में आ गया। एक और कार है 2.8 मीटर बिहाइंड है, तो हमारे लिए अगर हम फर्स्ट कार में है तो सेकंड कार 2.8 मीटर हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एंड ओवरटेकिंग हो रही है और स्पीड गिवन है 15 मीटर पर सेकंड, पहली कार को ओवरटेक किया जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब कि क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है आपको, तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जो पीछे की कार है वो ओवरटेक कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्जेक्ट यानी कि एक्चुअल में जो कार है वो ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड गिवन है। आपको इमेज बतानी है जो मेरे शीशे में, जो मिरर में इमेज की स्पीड क्या होगी ये बताना है, यानी कि आपको डीवी बाई डीटी बताना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो मिरर का फॉर्मूला लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करोगे फोकल लेंथ तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगी ये टर्म, वी एस टू पावर माइनस वन हो जाएगी, यू टू पावर माइनस वन, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमने पहले भी एक बार में डिफरेंस जीरो स्टेप आपको दिखाया हुआ है। तो डीवी बाई डी टी इमेज की स्पीड है, डी यू बाई डी टी ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो मुझे गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड, ये मुझे गिवन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मुझे गिवन है 2.8 मीटर, यानी कि 280 सेंटीमीटर यू नेगेटिव। मिरर का फॉर्मूला लगाओ, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू पता है, फोकल लेंथ पता है, आप वी निकाल लो, तो इस वी को यहां पुट करो, यू को यहां पुट करो, डी यू बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, सॉल्व करके डी वी बाई डी टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। तो समझ में आ रहा है सबको ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका? यस, लिखो। इस क्वेश्चन को देखना एक बार प्लीज। देखो इजी क्वेश्चन है, कैसे, अगर एक प्लेनो कन्वेक्स है, एक प्लेनो कंकेव है, कंबाइन कर दिए गए, आपको कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है, तो एक फॉर्मूला लगेगा प्लेनो कन्वेक्स के लिए, एक लगेगा प्लेनो कंकेव के लिए। साइन कन्वेंशन याद होनी चाहिए कि कन्वेक्स का एक, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, तो एक आर नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक इन्फिनिटी, कंकेव में माइनस आर और इन्फिनिटी, सोल्व करके आंसर आ जाएगा डन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर आपके कन्वेंशन याद है कि किसमें आर नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना है, उसके बाद आंसर डन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की प्रॉब्लम है, सिंपल, इस प्रॉब्लम को समझे प्लीज। रियल एपरेंट डेप्थ की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़े। देखो क्वेश्चन में गिवन है एक ना सिलिंड्रिकल वाटर टैंक है जिसका डायमीटर 2R है, ठीक है, इज रिड्यूसिंग एट अ रेट ऑफ x सेंटीमीटर पर मिनट। जब वाटर ड्रेन आउट हो रहा है तो मतलब एक सिलेंडर के अंदर पानी है ना, वो एक्चुअल जो पानी है मान लो यहाँ तक है, एक्चुअल में पानी यहाँ तक है, ठीक है, तो ये एच है, ठीक है, ये एच है, तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन किया था, टैंक को खाली करने की प्रॉब्लम आया करती थी, तो टैंक में जो पानी बाहर निकल रहा है तो ये वेलोसिटी है पानी के नीचे आने की dH by dt, तो पानी कितना ड्रेन आउट हो गया, वो वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो एरिया इनटू वेलोसिटी, याद है एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे आने की वेलोसिटी क्या है dH by dt, तो ये इतना पानी खाली हो रहा है पर सेकंड, ये मुझे निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या निकालना है? कितना पानी खाली हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ये मुझे निकालना है ऐसे। अब ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है, मुझे सिर्फ dH by dt निकालना है, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, तो इसका मतलब
मुझे अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन का अगर निकालना है तो डीएच बाई डी टी इंटू एरिया। अब डीएच बाई डी टी कैसे निकलेगा? अब मान लो जो पानी है उसकी रियल डेप्थ तो एच है, ठीक है, हमने तो रियल डेप्थ भी अभी लिया था, तो पानी है उसकी रियल डेप्थ क्या थी? एच थी। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें वो फ्लोर यहाँ नजर आएगा ही नहीं, हमें ऊपर नजर आएगा। कितना ऊपर नजर आएगा? एक्स ऊपर नजर आएगा, जो अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो फ्लोर ऊपर नजर आएगा, और मुझे पता है म्यू टू बाई म्यू वन यानी कि म्यू टू वन इज रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। तो क्या पहला फॉर्मूला सबको क्लियर है? ठीक है, एच बाई एक्स, ठीक। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें डी बाई डी टी डी बाई डी टी, तो म्यू टू बाई म्यू वन आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ रेट ऑफ चेंज ऑफ अपरेंट डेप्थ। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ रेट ऑफ चेंज ऑफ अपरेंट डेप्थ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ, ठीक है, इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ अपरेंट डेप्थ। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई आपके पास। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ क्या होगी? dH by dt is mu 2 by mu 1 into rate of change of apparent depth question में given है। ये देखो question में कह रहा था ना वो reducing at a rate of x centimeter per minute, apparent depth के बारे में तो given है, तो आपको ये apparent depth की value given है rate of change, तो dH by dt को यहाँ put करके आपके पास final answer आएगा। बढ़िया question है ये भी। Point समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस problem को speed के साथ हमने relate कर दिया इसे? और ये लास्ट क्वेश्चन है शीट का, चेक करो प्लीज, पढ़ो एक बार। नंबर शीट आई हर्ष, ऑब्जेक्ट को ए पे रखा, फाइनल ए बाई थ्री पे बने, ठीक। आपको इसमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ ए निकालना है। लॉजिक समझ लो एक बार क्वेश्चन में। सबसे पहले रिफ्रैक्शन या सबसे पहले लाइट किस में से पास होगी अगर ऑब्जेक्ट है लेंस में से, तो पहला स्टेज इसमें होगा लेंस का। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी क्वेश्चन में गिवन है ए, हम इमेज की दूरी निकाल लेंगे लेंस के लिए। फिर लाइट किस में एंटर करेगी? मिरर में, क्योंकि एक मिरर के आगे लेंस ऐसे पड़ा हुआ है ना। तो पहले लेंस में फिर मिरर में। अब मिरर के लिए जो इमेज लेंस ने बनाई वो मिरर के लिए क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो मिरर क्या बनाएगा? उसकी एक इमेज बना देगा। यहां तक स्टेज क्लियर है? तो लेंस ने जो इमेज बनाई वो मिरर का ऑब्जेक्ट माना जाएगा और मिरर इमेज बना देगा। फिर टकरा के मिरर में से लाइट फिर किस में पास करेगी? एक बार फिर से लेंस में से पास करेगी। अब लेंस में से पास करके फाइनल इमेज बनाएगी, और जो फाइनल इमेज है क्वेश्चन में गिवन है वो ए बाई थ्री पे बना रही है। तो लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर की बनाई हुई इमेज होगी। चेन कैसे चल रही है? तो लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है लेंस इमेज बनाएगा, मिरर इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा उसकी इमेज बनाएगा, फिर लेंस इस इमेज को ऑब्जेक्ट मानेगा और इमेज ए बाई थ्री पे बनाएगा। स्टेजेस क्लियर है? तो जैसे सबसे पहले रिफ्रैक्शन लेंस में है, ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस ए है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो ये वी आ जाएगा, तो लेंस का वी आ गया। मिरर के लिए या मिरर से पहले एक लेंस की बात कर लें, ये लेंस है। तो जैसे लेंस ए पे था, ऑब्जेक्ट ए पे था, तो लेंस ने इमेज आई वन पे बना दी, राइट। मिरर के लिए ये आई वन एक ऑब्जेक्ट है, तो मिरर का डायग्राम क्या बनता है? मिरर का ये बनता है।
मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और मिरर उतनी ही दूरी पे क्या बना देगा, उसकी एक इमेज बना देगा। तो अगर वी पे ऑब्जेक्ट है तो वी ही उसकी इमेज है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पहले लेंस की वजह से वी आ गया, अब मिरर की वजह से फाइनल इमेज आ गई, अब फिर लेंस की बात करते हैं। तो फाइनल लेंस के लिए ए बाई थ्री क्या है? ए बाई थ्री उसकी इमेज है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट तो वो हुआ जो मिरर ने बनाया, मिरर ने इमेज राइट बनाई। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा 1/v। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर ने वी इमेज बनाई तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो यहां से 1/v की वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे 1/v की जगह, ये आ जाएगा 2f। तो पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और समझने वाला क्वेश्चन है, बट समझ में आ रहा है कि इसमें कैसे किया आपने, स्टेजेस कैसे बनानी है। एक के लिए ऑब्जेक्ट है, दूसरे के लिए इमेज है, फिर जो इमेज बनेगी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, फिर वो अपनी इमेज बनाएगा, ठीक। और इस तरीके से एक चेन चलती जाएगी। तो आई होप यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन है। तो टेस्ट आप प्लीज सबमिट करेंगे और पीडीएफ से प्लीज अपना नाम लिखें और ब्रैकेट में टेस्ट का नाम लिखें, अपना नाम जरूर लिखें प्लीज पीडीएफ में, ठीक। तो मुझे सेंड करें और मैं आपको फिर लॉगिन आईडी अभी थोड़ी देर में जूम आईडी दूंगा 8:00 के आसपास, डाउट्स जो जो आप लोगों के आ रखे हैं। तो मिलते हैं तो टेस्ट के बाद आराम से 8:00, अभी जा सकते हो।